भागलपुर की महिलाएं सरहद पर तैनात जवानों के लिए तैयार कर रही राखियां। जीवन जागृति सोसाइटी की महिलाएं भूटान बॉर्डर पर जवानों को इस रक्षाबंधन पर बांधेंगी राखियां। रक्षाबंधन का पर्व नज़दीक है और बहनें अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी कर रही हैं। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी की महिला सदस्य सरहद पर तैनात जवानों के लिए राखी बनाने में लगी हैं। देश के लाखों जवान सरहद पर निगरानी कर जहां देशवासियों की सुरक्षा के लिए दिन रात एक किए रहते हैं, वहीं राखी के मौके पर जवान जब घर नहीं आ पाते तो बहनें ही बॉर्डर पर जाकर भाइयों के हाथों में रक्षा की कलाई बांधती हैं। पिछले कई सालों से जीवन जागृति सोसाइटी से जुड़ी महिला राखी अपने से बनाकर बॉर्डर पर जवानों को राखी बांधती हैं। इस बार भी सोसाइटी से जुड़ी महिलाएं भूटान बॉर्डर पर जवानों को राखी बांधेंगी। इसको लेकर राखी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और काफ़ी संख्या में राखी बनाकर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए बॉर्डर पर जाएंगी। महिलाओं में राखी को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। हम लोग जाते हैं बॉर्डर पे सैनिक लोगों को राखी बांधने के लिए, बट इस बार हम लोग सोचे कि हम लोग खुद से अपने हाथों से बनाकर राखी सैनिक लोगों को बांधेंगे, इसलिए हम लोग जा रहे भूटान बॉर्डर पर और ये राखी हमारे प्रेम की निशानी होती है। मेरा नाम ईशा हुआ। किस चीज़ की तैयारी होती है यहाँ? जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा सैनिक भाइयों को राखी बनाने की तैयारी हो रही है, जो कि हर साल 5 साल से हम लोग लगातार जा रहे हैं। पूरी सोसाइटी जाती है पूरे उत्साह और उमंग के साथ। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस प्रेम को हम लोग अपने हाथों से, हमारी सारी बहनें मिलकर राखी का राखी की मोतियों से अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का एक छोटा सा हमारा तरीका है। उनके जैसा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम थोड़ा सा उनको परिवार का सुख दे सकें कुछ क्षणों के लिए। इस बार सिक्किम के बॉर्डर, भूटान के बॉर्डर पर हम लोग जा रहे हैं। मेरा नाम विनीता सा है, मैं सोसाइटी की एक सदस्य हूँ, जीवन जागृति सोसाइटी की महिला विंग की सचिव हूँ। जैसा कि जानते हैं 11 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है और यह रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच प्रेम को दर्शाता है और बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। लेकिन हमारे बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं, जो सीमा की सुरक्षा में हैं, जो अपने घर परिवार और बहन से दूर होते हैं, उनको बहन वहाँ तक नहीं जा पाती है। ऐसे में जीवन जागृति लगातार कई वर्षों से बॉर्डर जाकर सैनिकों को रक्षा बांध कर रही है और इस बार जीवन जागृति सोसाइटी की लेडीज सदस्य अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने के लिए भूटान बॉर्डर जा रहे हैं और इसके लिए इस बार ये लोग खुद से अपने से राखी तैयार कर रही हैं, अपने से बना रही हैं और एक एक धागा को जोड़कर उसमें प्रेम भर रही है और ये प्रेम रूपी धागा और सूत्र बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को, जो जीवन और मौत से जूझ रहता है लेकिन देश के बलिदान के लिए सदैव तैयार रहता है, उसके लिए हम लोग 11-10 तारीख को भूटान बॉर्डर कूच कर रहे हैं और वहाँ सैनिक भाइयों को ये लोग रक्षाबंधन का सूत्र बांधेंगे। द ब्लैक बोर्ड, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रांची। अब आपकी मोहल्ले वाली दुकान बन सकती है मोहल्ले वाली बैंक। इजी कैश पॉइंट आपको कम खर्च में CSP खोलने का मौका देता है, जिसके जरिए आधार कार्ड द्वारा किसी भी बैंक से पैसे निकालने, जमा करने और मोबाइल DTH और इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करके आसानी से 15,000 से 20,000 तक का कमीशन कमा सकते हैं। तो CSP ID के लिए आज ही कॉल करें 7726006565 पर और बनिए मोहल्ले का मिनी बैंक।